बटाबाद ये सीधा रोड है, आपने जाना है यहाँ से। अगर आप देखें तो ताकोट ये दूसरा मोटरवे है मानसेरा से ताकोट तक। तो इस वक्त हमारा सफ़र जारी है हज़ारा मोटरवे पर और हम नारायण कहान जाएंगे। इस वक्त हम बटाबाद में खजां। अगर आप गर्मियों में आते हैं तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये लश ग्रीन होंगे। अब इसका जो जर्द रंग है ये अलहदा है। तो हर मौसम में यहाँ की जो खूबसूरती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ आप जब मानसेरा मोटरवे से उतर जाते हैं, एक्सप्रेसवे से जब उतर जाते हैं, तो यहाँ पर कोई वाजे बोर्ड नहीं है कि आपको हिदायत दे कि आपने नारायण जाना है तो इस तरफ जाए, आपने अगर ताकोट बिशाम जाना है तो इस तरफ जाए, कोई इस तरह बोर्ड नहीं है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आप जब मानसेरा पहुँचेंगे तो मानसेरा में थोड़ा सा एहतियात करनी है, यहाँ पर किसी से पूछना है। यहाँ गली महलियों की तरह सड़कों पर फिर आपको जाना पड़ेगा जिस तरह हम जा रहे हैं, लेकिन वाज़े हिदायत मानसेरा के मुकाम पर नहीं है। जब आप मोटरवे से उतर जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये है कि आप जैसे ही उतर जाते हैं तो आप या तो गूगल मैप या फिर आप यूँ कर दें कि किसी से पूछे कि नारायण के लिए कौन सा रास्ता ठीक है, तो वो आपको बताएँगे। इस वक्त हम बालाकोट पहुंच गए हैं। बालाकोट में हमने होटल पैन ट्रैक पे नाश्ता करना है, तो नाश्ता करके फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता नहीं किया था। तो ये काफ़ी अच्छा होटल है, आप यहाँ रुक सकते हैं, रात भी गुजार सकते हैं और नाश्ता और खाना भी खा सकते हैं। तो मेरे साथ रहे, हमारा सफ़र जारी है, नाश्ते के बाद मिलेंगे। हम पहुंच गए हैं और बालाकोट बाजार की तरफ हमारा सफर जारी है। बालाकोट सिटी हम पहुंच गए हैं और बालाकोट छोटा सा शहर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और रौनक है। यहाँ ज़िंदगी की तमाम अशय खुर्दनोश और दिगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें आसानी दस्तियाब हैं। दाखिल हो रहे हैं, अगर आप देखें तो इनके बाज़ार शुरू है। कागान ये भी खूबसूरत वादी है,
और यहाँ भी लोग रुकते हैं, यहाँ पर होटल्स हैं, यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं, यहाँ पर एक रात के लिए आप रुक भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस नारान पी ही होता है। बहरहाल कागान की अहमियत अपनी जगह बरकरार है और यहाँ सयाह रुकते भी हैं, देखते भी हैं। तो मेरे साथ रहे, हमारा सफर जारी है। जी बिल्कुल, नारान हम पहुंच गए हैं। अगर आप देखें तो सामने नारान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे, खूबसूरत इमारतें और बीच में आसपास चारों तरफ पहाड़ और बीच में नारान के नारान का बाज़ार और इसमें दरिया बहता हुआ, इसकी जो शोर है, म्यूज़िक है, वो अलग-अलग इसका मज़ा है। तो इस वक्त चूँकि मौसम ख़ज़ां है और ये जो दरिया की जो मौज मस्त लहरें हैं, दरिया के बहाव में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा मतलब सुहाना मौसम है, न सर्दी है न गर्मी है। और मैंने आपको दिखाना है नारान कि नारान में क्या देखना है, मेरे साथ रहे। नारान इंशाल्लाह रात हमारी नारान में होगी और हम पाइन हिल होटल में क़याम करेंगे। हमने पहले ही वहाँ पर बुकिंग की है। तो पाइन हिल ये बाईपास पर ये वाक़या है। पाइन हिल होटल में हम पहुँच गए हैं। पाइन हिल होटल अब देखते हैं कि कैसा है। हमने बुकिंग की है इसमें पहले से, तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि क्या सूरत है। हाँ जी बिल्कुल, हम अपने होटल पहुँच गए हैं पाइन हिल। लेकिन मैंने आपको ये बताना है कि यहाँ नारान में होटलों की क्या सूरत हाल है, इसमें क्या सहूलियात देते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस होटल का मैनेजर जुनेद मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताए कि आजकल क्या रेट चल रहा है, आप सीज़न है और गर्मियों में क्या रेट चल रहा है आजकल होटलों का, कमरों का? सर जी हमारा जो है ना दोनों सीज़न में रेट मुनासिब होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में। आजकल तो वैसे भी रेट मुनासिब है सर, और हम 24 घंटे सहूलत सहूलत दे रहे हैं, गर्म ठंडा पानी दे रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं, केबल दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं सर जी। और जो है ना जितने भी हमारे मेहमान हजरात आते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं सर। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जुनेद की बातें सुनी, वो कह रहे हैं कि आजकल रेट बहुत कम है, तो मौके से पैदा उठाए और आप नारान ज़रूर पहुँचे। रात हमने होटल पाइन हिल नारान में गुजारी, अब हमारे आगे का सफ़र जारी है। आगे मैंने क्या आपको दिखाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे साथ रहे। इन दिनों इतना रश नारान में नहीं होता और कम लोग ही आते हैं और वो खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि रश नहीं होता। होटलों के किराए, कमरे जो है ना, वो होटलों के जो कमरे हैं उनके किराए कम होते हैं। तो यहाँ ये मेन सिटी में हम अभी नारान के जा रहे हैं। जी बिल्कुल, नारान हम पहुँच गए हैं। रात हमने यही गुजारी और ड्राई फ्रूट के दुकान पर मैं मौजूद हूँ। आप देखें बिल्कुल उन्होंने काफ़ी इसका बनाव सिंगार किया हुआ है और बेहतरीन है। दुकानदार से भी बात करना चाहूँगा कि यहाँ क्या रेट्स है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताएं कि कितना फ़र्क होगा, क्या क्या चीज़ें सयाहों को लेनी चाहिए यहाँ पर? सब चीज़ों में फ़र्क है। पिस्ते का रेट इधर 1500 है, आगे और शहरों में लाहौर में जिलम में हमारा दुकान है, उधर हम 1900-1800 बेचते हैं। अच्छा ये चाइना वाला अखरोट उधर 600 रेट है, इधर हम 450 देते हैं। अच्छा तो सब चीज़ों में फ़र्क है। फ़र्क है जी जी। और आप क्या सजेस्ट करें कि सयाह यहाँ सर्दी से बचने के लिए कौन सी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें? ये पिस्ता और काजू, जनगोजा, अखरोट, ये सारा गर्म है। सारा गर्म जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है और इसमें बादाम है, खुबानी है, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मैं थोड़ा सा आगे आपको नाश्ते वाले के पास भी ले जाता हूँ।
ताकि नाश्ता यहाँ पर आप अगर करते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शुएर। मोहम्मद शुएर साहब, ये बताएं कि एक फुल नाश्ता अगर आप देते हैं सुबह सवेरे तो कितने का खर्चा आता है? ये तकरीबन साहब ये आदमी तक होता है, एक कर लेते हैं एक सुबह। मतलब डबल फ्राई अगर होता है और या डबल अंडे, एक पराठा और चाय, जी जी, तो कितने का आता है? 120 का बन जाता है। 120 का बन जाता है, बहुत ही मुनासिब रेट है। नारायण में आप आते हैं इतनी दूर, तो ये लोगों का भी हक बनता है कि कुछ कमा ले। 120 रुपए में पराठा भी है, चाय भी है और अंडे भी है, तो मेरा ख्याल में ये मुनासिब है। मेरे साथ रहे, मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताए कि आप लोग कहाँ कहाँ लोगों को ले जाते हैं, क्या सिलसिला होता है? झील सफर मुल्क ले जाते हैं। अच्छा, लालाजार। अच्छा, और प्याला जी, लालू सर, बाबू सर टॉप, लूरी टॉप। अच्छा जी। अच्छा, ये जो प्याला झील है या दूसरी झील है, वो कहाँ कहाँ वाक़ है, कितने दूर है? झील सैफुल मुल्क 13 किलोमीटर पे है। अच्छा, लालाजार 24 किलोमीटर पे है। अच्छा, और बाबू सर टॉप 75 किलोमीटर पे है। अच्छा, और लालू सर जो है वो 52 किलोमीटर है। अच्छा, आप किराया पर बताएंगे कि किराया क्या आप लोग लेते हैं, ऑफ सीज़न में भी और सीज़न में भी? ऑफ सीज़न में तो हम लेते हैं 2000 तक, और फुल सीजन जो है वो 2500-3000 रुपया। अच्छा, झील सैफुल मुल्क का, झील सैफुल मुल्क का। और बाबू सर टॉप का? उसका 7000 रुपया। 7000 रुपया रिटर्न एंड द सेम डे? जी जी, रिटर्न। आजकल 6000 रुपया। आजकल 6000 रुपये, बिल्कुल मुनासिब रेट से, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं और इनका सारा दारोमदार जो है ना बस इन चीज़ों पर ही होता है। तो मेरा ख्याल है कि नारान बाज़ार आपने, चूँकि सुबह सुबह है, इन दिनों आपको ये पैदा होगा कि चीज़ें जो है ना बहुत ही मतलब रेट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, ख़ासकर होटलों के जो किराए हैं वो तो मेरा ख़्याल में 100% से भी जो है ना ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब अगर गर्मियों में सीज़न में 20,000 है, 12,000 है, 15,000 है, तो आजकल वो कमरे 5,000-4,000 इतने में मिलता है, तो काफ़ी कमी आ जाती है। मेरे साथ रहे, मैंने कुछ और भी आपको बताना है। देखिए, जीप वाला जो है ये वाला रास्ता झील सैफुल मुल्क को, और ये बाबूसर टॉप के लिए। आप गलगित भी जा सकते हैं और दीगर इलाकों को भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बोर्ड भी दिखाना है कि कितने कितने किलोमीटर है, तो यहाँ थोड़े से रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आप देखें, बटाकुंडी, बोड़ाई, जलकंड, जिल्लुलुसर, बाबूसर टॉप। सामने ये PTDC मोटर, और चूंकि सर्दियों का आगाज़ हो गया है तो अब ये लोग डाउन डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, जहां मतलब मौसम नॉर्मल होता है। तो ये भीड़ बकरियां नारान से होते हुए नीचे पंजाब के इलाकों में जाएंगे। और